अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम ये खानापुर के जंगल, बिल्कुल एक घना जंगल है, ऐसी जगह पर आए हैं। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरह से इन लकड़ी के पुल से होकर दूसरे गांव को जाते हैं। तकरीबन 7 से 8 गांवों का राबता इसे टूटा हुआ है और वो हर रोज इस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते रहते हैं। यहाँ के आवाम अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ से वो आना जाना करती है। हमारे साथ ही देख सकते हैं पीछे बिल्कुल कई सारे लोग, खवातीन भी यहाँ पर वो आती जाती हैं। जहाँ मुल्क को आज़ादी हुए 75 साल हुए, लेकिन किस तरह से बुनियादी सहूलतों से आवाम आज भी महरूम है, इसकी तस्वीर इस खानापुर के जंगल में देखने को मिलती है। लोग यहाँ से दो पहिया गाड़ी भी अपने गांव तक नहीं ले जाते। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस कदर वो हर रोज़ एक तरह की जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए वो अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खवातीन, स्कूल को बच्चों भी यहाँ से गुजरते हैं तो बिल्कुल उनकी जान अपने हाथे में लेकर वो यहाँ से गुजरते रहते हैं। एक खौफनाक तस्वीर अगर कह सकते हैं, बिल्कुल एक खौफनाक तस्वीर यहाँ पर है। यहाँ पर ब्रिज पर अभी हाल ही में अपने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से एक मौत खातून की होती है, तो यहाँ से जनाजे को भी इस लकड़ी के पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ नीचे से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। और रोज की यह तस्वीर है। तकरीबन यहाँ की आवाम कहती है कि यहाँ 6 महीने इसी तरह से हमको गुजारा करना होता है। यहाँ की आवाम ये कहती है कि अगर हमको किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल भी करना चाहते हैं तो जल्द से किया जाए और उन्हें बुनियादी सहूलतें उन्हें फराहम की जाए। आप देख सकते हैं हम उसी ब्रिज पर खड़े हैं जहाँ से अभी हाल ही में एक खातून को अस्पताल को लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर ले जाया गया और दूसरी एक हाल ही में एक मैयत को भी इसी लकड़ी के पुल से होते हुए शहर की तरफ ले जाना पड़ता है। कई किलोमीटर दूर तक आपको यहाँ पर सही सड़कें नहीं हैं, गड्ढे हैं, तूफानी बारिश है और ऐसे में ये नज़ारे वाकई दिल को दहला देने वाले हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पानी ही पानी है और पानी तेज़ रफ्तार से बहता रहता है और इसी में से होकर वो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।